नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल टीना टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज हम बनाएंगे अजवाइन का मुखवास, आप इसे एक तरह का चूरन भी कह सकते हैं। आप सभी ये जानते होंगे कि अजवाइन हमारे पेट के लिए कितनी फायदेमंद होती है। पेट की गैस, भारीपन और खाने को पचाने में अजवाइन बहुत ही कारगर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुखवास बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है अजवाइन। अजवाइन की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। अजवाइन को पहले अच्छे से साफ कर लें। इसके अंदर कोई भी कचरा या कंकड़ नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अजवाइन को साफ करना बहुत ही मेहनत का काम है, पर काम है तो करना ही पड़ेगा। अजवाइन को हम डालेंगे इस चीनी मिट्टी के बाउल के अंदर। आपको जितनी क्वांटिटी में मुखवास बनाना है आप उतनी क्वांटिटी में अजवाइन लें। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। अजवाइन को नींबू के रस में अच्छे से कोट कर लें। कहने का मतलब यह है कि अजवाइन को हमें नींबू के रस में अच्छे से भिगोना है। अभी हमने इसमें एक ही नींबू का रस डाला है। एक दो घंटे बाद वापस से चेक कर लेंगे, अगर हमें जरूरत लगेगी तो और रस डाल लेंगे। अजवाइन को नींबू के रस में भिगोने के लिए आप चीनी मिट्टी या फिर कांच का बर्तन ही यूज करें। एक दो घंटे बाद हमने चेक किया है, हमें थोड़ा और नींबू का रस डालना है। सुबह को हमने देखा अजवाइन ने नींबू के रस को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है और जो थोड़ा बहुत बचा है वो मसाला अब्सॉर्ब कर लेगा। अजवाइन का कलर भी चेंज हो गया है। चलिए इसमें मसाले मिला लेते हैं। 2 से 3 पिंच के करीब डालेंगे हम हींग। अजवाइन के साथ साथ हींग भी डाइजेशन में हेल्प करेगी। 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच ही सेंधा नमक। इसमें आप काले नमक और सेंधा नमक का ही यूज करें, नॉर्मल नमक नहीं डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और फटाफट एक प्लेट में फैला लें। अगर मसाले मिलाने के बाद हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो नमक पानी छोड़ देगा। हमें अजवाइन और मसालों को पानी छोड़ने का मौका नहीं देना है। और यह ध्यान में रखें, मसाले इसमें हमें दिन में ही मिलाने हैं और जब बाहर धूप आ रही हो, ताकि प्लेट में फैलाते ही हम इसे तुरंत धूप में सुखा सकें। चलिए धूप लगा लेते हैं। 2 दिन की धूप के बाद आप देखें कि अजवाइन कितनी ड्राई हो गई है। थोड़ी बहुत अजवाइन प्लेट के नीचे चिपक गई है, पर ये निकल आएगी। बस अब इसे कंटेनर में भर कर रख लें और बस इतनी ही क्वांटिटी में इसे खाने के बाद लें। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप पीस कर इसका चूरन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही ले सकते हैं। खाने को पचाने में और पेट की छोटी मोटी समस्या तो इसे लेने से ही खत्म हो जाएगी। तो बताइए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।